जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आदित्य हिंदी में। दोस्तों आज मैं आ गया हूं दुर्ग जिला का औंधी गांव। दोस्तों यहां बहुत ही बेहतरीन मूर्तियां बनाई जाती है और दोस्तों सारी मूर्तियां पेंटिंग हो चुकी है, पूरा पेंटिंग हो गया है, छोटा मोटा काम बस बाकी है। मूर्तियाँ सारी सारी आजकल में उठने वाली है तो देखेंगे सारी मूर्तियाँ कैसा बनाए इस साल। दोस्तों यहाँ की बात करूँ तो बहुत ही यूनिक मूर्तियाँ बनाते हैं। अभी मैं हूँ बाहर में, देखिए इधर भी मूर्तियाँ हैं और इधर भी मूर्तियाँ हैं, तो दोनों जगह की मूर्तियाँ देखेंगे। देखिए बल्ला चक्रधारी जी के यहाँ मैं हूँ अभी, नंबर और नाम यहाँ पे है, तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर से कर सकते हैं कांटेक्ट। और इधर की मूर्तियाँ बाद में देखेंगे दोस्तों, मूर्तियाँ भी देख लेते हैं। आइए, बारिश स्टार्ट होने वाला है भाई साहब, बारिश रुकेगा तो फिर निकलेंगे। चलिए एक के बाद यहाँ की मूर्तियाँ देखते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। जैसे ही इंटर करेंगे कुछ इस तरीके से है यहाँ पर मूर्तियाँ। सबसे पहला मूर्ति देखिए दोस्तों, यहाँ पे काम चल रहा है, लगभग पूरा काम हो ही गया है यहाँ का। और यहाँ पे देखिए ये वाला बैल में जो बैठे हैं, ये यूनिक लग रहा है। आइए देखते हैं नज़दीक से। देखिए दोस्तों इसका कलर जो है बहुत यूनिक लग रहा है मेरे को, और पूरा सर से लेकर धड़ से लेकर पूरा शरीर तक महादेव है, और सर से जो है गणेश जी हैं। देखिए हाथ में सांप पकड़े हुए हैं, और मेरे को तो बहुत यूनिक लग रहा है भाई। ये दोनों तीनों देखिए, चूहा है ये। इसके बाद दोस्तों ये मूर्ति देखिए, माता जी के कंधे पे बैठा हुआ है नन्हा सा गणेश, क्यूट सा। और ये वाली मूर्ति देखते हैं दोस्तों, आइए फ्रंट से। और ये है तबला बजाते हुए, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको, जो कि काम अभी आप आखिरी चरण पे है दोस्तों, पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। और वो तो हनुमान जी की मूर्ति देखिए, ऐसा लग रहा है मालूम जैसे झांकी में जाएगा वो वाला। इसके बाद ये वाली मूर्ति देखते हैं, आइए ये सबसे यूनिक है भाई, पूरे बॉडी पे फूल और अलग अलग कलर का। देखिए बड़ा ही दमदार दामोदर इंसान को देखिए उस मूर्ति के सामने में कितना छोटा है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना मोटा और मस्त मूर्ति है। आइए और दिखा देता हूँ पास से। दोस्तों मैं वाइड एंगल में कैप्चर कर रहा हूँ, फिर भी कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मूर्ति बहुत बड़ा है, आप अंदाज़ा लगाइए। उसके बाद ये वाला मूर्ति है राधा कृष्ण के रूप में गणेश जी, जो कि इस टिद्दी मैया के साथ बैठे हुए हैं दोस्तों गद्दी पे। और अगर बगल में देखिए मयूर हैं, अगल बगल में मयूर हैं, बहुत ही यूनिक लग रहा है। हालाँकि अभी बंसी नहीं पकड़े हैं, जब निकलेगा तो बंसी पकड़ाएँगे। और देखिए दोस्तों बैल पर बैठे हुए हैं, बहुत यूनिक यार। और ये वाला मूर्ति देखिए भाई साहब, बड़े यूनिक कलर है यार। और कपड़े वगैरह भी देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है ये तो। चलिए दोस्तों इसके बाद अंदर चलते हैं, अंदर भी बहुत सारी मूर्तियां हैं वो देखेंगे भाई जान देते। ये दोनों मूर्तियां दोस्तों कंप्लीट हो गई है, इसलिए यहाँ पे इसको ढक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते जाते हैं। और ये दोस्तों मूर्ति जाएगा कुर्सी पार में, बैठेगा भिलाई कुर्सी पार में, देखिए। और यहाँ से लेफ्ट राइट दोनों साइड मूर्तियाँ हैं, पहले चलते हैं लेफ्ट में और देखते हैं मूर्तियाँ, बहुत बड़े ही यूनिक लग रहे हैं। इस पर देखिए पूरा मूर्ति से सजाया गया है, चमक रहे भाई साहब, पूरे शरीर में देखिए मुकुट से लेकर पाँव तक मोतियों से सजाया गया है इस मूर्ति को। कूल हे गजानन तू महेश्वर। उसके बाद ये वाली मूर्ति देखिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये वाली मूर्ति है दोस्तों, आइए देखिए, बड़ा ही यूनिक यूनिक मूर्तियां बनाई जाती है दोस्तों। औंधी गांव को मिनी थनौत बोलते हैं दोस्तों, थनौत तो आप जानते ही होंगे, बड़ा ही यूनिक यूनिक मूर्तियां बनाते हैं। सबसे बड़ा मूर्ति है वहीं पे बनता है थनौत में, राधे श्याम भैया के यहाँ
प्रेमलाल के यहाँ, बालम चक्रधारी के यहाँ, थनौत का ये औंधी गांव को दोस्तों मिनी थनौत बोलते हैं, क्योंकि वैसे ही सेम यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई जाती है। यहाँ के एक एक मूर्ति देखिए, यहाँ पे राधा कृष्ण के रूप में एक और मूर्ति यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों इधर की मूर्तियाँ ख़त्म हो गई, अब उधर चलते हैं। इधर दोस्तों यहाँ पे चांद पे बैठे हुए हैं गणेश जी, देखिए, और पीछे में है पृथ्वी, पूरा घूम रहा है पूरा पृथ्वी, गोल आकार पे देखिए पृथ्वी को दर्शाया गया है। और नीचे में है चूहा जी, मूसक जिनकी सवारी, ये है दोस्तों धनुष पकड़े हुए, अगल बगल में जो शेर है वो यूनिक लग रहा है। देखिए हर मूर्ति में कुछ नया है दोस्तों, यूनिक है। देखिए नीचे का जो गद्दा, जो सोफा जिसपे खड़े हैं वो, इसको देखिए, पेट में देखिए दोस्तों गोल्डन कलर का मुकुट, गोल्डन कलर का यहाँ पे ज्वेलरी जो है पहने हुए है ये वाला मूर्ति, यूनिक भाई साहब। ये इधर देखिए अगल बगल में शेर सोफा में बैठे हुए हैं। उसके बाद ये वाला मूर्ति है दोस्तों, देखिए ये सोफा में बैठे हुए हैं नीले कलर के गद्दे में, जो कि गोल्डन कलर का मुकुट पहने हुए हैं, गोल्डन कलर का ज्वेलरी पहने हुए हैं, जहाँ भी बैठेगा एक नंबर लगेगा। उसके बाद ये और दो मूर्ति हैं दोस्तों, जो कि सोफे में बैठे हुए हैं, सोफा जो है मयूर के डिजाइन में, देखिए। और इस मूर्ति के बाद दोस्तों ये वाला मूर्ति है, जो कि ये भी सोफा में बैठे हुए हैं, लेकिन ये बड़ा ही चौड़ा है भाई साहब, सोफा भी, ये वाला भी देखिए सोफा में बैठे हुए हैं। ये वाला भाई सबसे हटके है, यूनिक है, कौन सी डिजाइन में है यार, वाओ। बाप रे, ये मूर्ति तिल्दा जाए दोस्तों, देख लो। उसके बाद ये वाला मूर्ति देखिए दोस्तों, जो कि सोफे में बैठे हुए हैं, बहुत प्यारा लगा था ये वाला मूर्ति हो दोस्तों। ये वाला मूर्ति सही में बहुत प्यारा लग रहा है, सामने से दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद ये वाला मूर्ति दोस्तों, जो कि मयूर में बैठे हुए हैं, लेकिन मयूर जो है ब्लैक कलर का है, देखिए। उधर भी और मूर्तियां हैं दोस्तों, देखिए ये जो है रिद्धि सिद्धि मैया के साथ सोफे में बैठे हुए हैं, जो कि अगल बगल में शेर है, और कलर जो है गोल्डन नहीं है, थोड़ा सा हटके है। वाह, इसको तो देखो यार, पूरे बैल पे बैठे हुए हैं दामोदर, महादेव पार्वती मैया के गोद में बैठे हैं, देखिए गणेश जी। अपने वाला तो देखे ही नहीं यार, चूहे जी झूले में झूला रहे हैं गणेश जी को, देखिए 1 2 3 4 चार चूहे जो है अपने कंधे पे गणेश जी को झूला रहे हैं जैसा दिख रहा है। और उधर देखिए एक और चूहा है, जो कि यहाँ पे खेल रहा है, और छोटा सा मूर्ति, ये वाला मूर्ति आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, ये देखिए सबसे यूनिक लग रहा है भाई साहब। इधर बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति है, चलो इधर ही की तो जैसे इंटर करेंगे कुछ तगड़ा सा मूर्ति है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये यूनिक सा मूर्ति है दोस्तों, बहुत ही यूनिक लग रहा है। देखिए पूरे बॉडी पे जो है गणेश का पूरा छोटे छोटे गणेश जो है बनाया गया है, और सर पे भी जो है गणेश है वहाँ पे। आइए देखते हैं, ओ भाई साहब देखिए यूनिक मूर्ति इसको सबसे बोलेंगे। और ये देखिए रिद्धि सिद्धि मैया के साथ साथ में रिद्धि मैया जी हैं, ये वाली गणेश की, पूरा पैसा जमा होने के बाद ही मूर्ति दिया जाएगा। तो दोस्तों मूर्ति ले जाने से पहले आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ की मूर्तियाँ आप ले जा सकते हैं। एक राउंड लगा के देखते हैं दोस्तों पूरा,
देखिए भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं भाई। ये मूर्ति तो देखो यार, तगड़ा। दोस्तों ये वाली मूर्ति के बाद लाइन से एक एक मूर्ति करके देखते जाएंगे। आइए सबसे पहले ये वाला मूर्ति देख लीजिए, पूरा पेंटिंग हो चुका है, बहुत ही यूनिक लग रहा है मेरे को तो। और ऊंचाई की बात करूं तो भाई साहब ये 12 से 15 फीट का होगा। और यहाँ की कलर और डिज़ाइन और शाइनिंग देखिए, कितनी बारीकी से काम किया गया है। फिलहाल मूर्तियों को छूना मना है, तो मैं छू तो नहीं सकता, आपको दिखा लेता हूँ कितनी यूनिक है। मैं वाइड एंगल में दिखा रहा हूँ दोस्तों, फिर भी कैमरा पे ये हम आ नहीं रहे, मतलब कैमरे पे आ नहीं रहे। आप मुझे भी देख लीजिए, इस मूर्ति को भी देख लीजिए, कितना बड़ा है। और उसके बाद दोस्तों ये वाला मूर्ति है जो कि हल्का वाइट और ब्लू कलर का है। देखिए अगल बगल में शेर भी है दोस्तों, देखिए ये शेर है, ये शेर है, फिर कपड़े से ढका गया है। और ये जो है दोस्तों, इस तरह की मूर्ति को बनाया गया है सेम टू सेम, देखिए। हाँ यहाँ का टीका भी यहाँ तक कि टीका भी, माथे का टीका भी एकदम सेम टू सेम है। देखिए भाई साहब, दोस्तों दो मूर्ति के बाद यहाँ पे लड्डू पकड़े हैं हाथ में, लड्डू को भी सजाया जाएगा। दोस्तों दो मूर्ति के बाद यहाँ पे है राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति। ये गणेश जी का मूर्ति तो नहीं लगता, अरे यार गणेश जी का ही मूर्ति है। अच्छा ये भी इनके साथ में पूरा, ये जो है पांच, दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है पांच राम लक्ष्मण कृष्ण जी भी हैं। ये इस पेंटिंग को यहाँ बनाया गया है दोस्तों, इस चित्र को देखिए, सेम टू सेम बनाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। और जहाँ पे इसको बैठाया जाएगा कुछ इस तरीके से डेकोरेशन किया जाएगा। देखिए पूरा यहाँ से कर यहाँ तक एक मूर्ति है ये, सॉरी यार। इस मूर्ति के बाद दोस्तों आइए देखते हैं अगला मूर्ति। और इधर का पेंटिंग अभी चल रहा है। दोस्तों ये वाला मूर्ति देखिए दमदार लग रहा है भाई साहब, हालांकि इसको ढक दिया गया है क्योंकि इसका काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जिस दिन निकलेगा ये मूर्ति, अब सीधा निकालने को रेडी है ये। बड़ा ही यूनिक लग रहा है मेरे को तो। यहाँ पे साइड में एक चूहा है, मूसवा की सवारी, ये देखिए। और इस मूर्ति का दोस्तों अभी पेंटिंग चल रहा है, ये हनुमान जी की मूर्ति है, शायद ये झांकी में जाएंगी, कतई ही यूनिक है। और इस मूर्ति के बाद दोस्तों इधर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो कि दुर्गा माता की मूर्तियां हैं। दुर्गा माता का समय आएगा तो उस टाइम में बनाऊंगा यहाँ पर। चलिए चलते हैं उस साइड पर मूर्ति देखने के लिए। दोस्तों ये वाला गेट है जहाँ से अपन एंट्री किए थे, उसके बाद यहाँ पे गणेश जी देखिए जो कि श्री कृष्ण जी के रूप में है। ये श्री कृष्ण है और ये क्यूट सा बालक सा गणेश जी है यहाँ पे, जो कि पेड़ के डाल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे चूहा जो है खेल रहा है, देखिए चूहे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, साथ में मयूर भी है, देखिए यूनिक सा। और ये दोस्तों वाइट और हल्का ब्लैक में है कलर पे, बड़ा यूनिक लग रहा है। और रेड कलर का जो पकड़े हैं कपड़ा, ये यूनिक लग रहा है इस मूर्ति का। देखिए पेट में सांप भी है। और ये दुर्गा माता का मूर्ति है दोस्तों, अभी गणेश के बाद तुरंत दुर्गा माता का समय आ जाएगा तो उसका भी वीडियो डालूंगा मैं। उसके बाद ये वाला मूर्ति दोस्तों पूरे शरीर पे फूल से सजाया गया है, अलग अलग कलर का फूल। देखिए सर पे गुलाब का फूल, फिर ब्लू कलर का फूल, हाफ ब्लू, येलो, कई कलर से पूरे बॉडी को सजा दिया गया है और देखने में काफ़ी यूनिक लग रहे हैं। उसके बाद ये वाला मूर्ति है भाई साहब, बड़ा ही 12 से 15 फीट का तो होगा ये वाला मूर्ति। कितने फीट का है भैया ये? 11.5। 11.5।
12 पकड़ लो दोस्तों, 12 फीट का है। पीछे में जो बनाया गया है वो डिज़ाइन को देखिए, अगल बगल में मयूर भी है, देखिए इधर भी मयूर है उधर भी मयूर है, जिसको मोर बोलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ की कौन सी मूर्ति पसंद आया नीचे कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं औंधी की और मूर्तिकार के यहाँ। तो ये इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। चलो दोस्तों, अपने जय श्री राम, जय जय श्री राम।